Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricket Buzz's YouTube channel and press that bell icon now. अशोक भाई, ऑल्सो डेविड वॉर्नर, जिस तरीके की शुरुआत थी टूर्नामेंट की, जिस तरीके से टूर्नामेंट में आए हैं, बातचीत हो रही थी, वॉर्नर खुद एक बंदे थे उस कैंप में जो कह रहे थे भाई मेरा फॉर्म कहीं गया नहीं है दोस्तों, आपको जितना लिखना है जितना बोलना है बोल दो। और एक बार ही उनकी गाड़ी शुरू हुई अशोक भाई, बिग मैच प्लेयर, बिग टूर्नामेंट प्लेयर, बिग मेंटेलिटी प्लेयर, जो भी आप बोलो, हर चीज में बिग बिग जिस तरीके से अप्रोच करते हैं। देखिए, अगर जो आंकड़ों में विश्वास रखता है अर्जुन, अगर आप आंकड़ों से भी बात कर लें, आपके सामने ये दूसरे ही मुकाबले में जिसने 65 रन बनाए हैं 42 गेंद पर, टोटल मुकाबले फाइनल मिला के 7 हुए हैं, 90 लगभग 49 आज 53 65, इसे अगर कोई ये कह रहा है कि ये खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है तो प्लीज मुझे ये बताइए कि फॉर्म किसे कहते हैं। क्या आप ये देखिए, 7 बड़ी बार ऐसा भी हो कि खिलाड़ियों ने बैक टू बैक 300 बनाए हैं, किसी ने 300 250 बनाए हैं, वो भी ड्रीम लाइन चलता है। पर ये जो आपके सामने अगर आंकड़ों पर भी जाना है तो भी, अब एक हम मिचेल साहब की बात कर रहे थे, वीरू ने कहा था ना शुरू में कि ये देखिए कम से कम इन्होंने 25 रन तो बनाए हैं एज एन ओपनर, और 2-3 बहुत अच्छे पिछले मुकाबले में टीम को जिताया न्यूजीलैंड के, एक मैच में 49 बनाए इंडिया के खिलाफ। तो जब आप 6 या 7 मुकाबलों की बात करते हैं, कोई भी खिलाड़ी अगर वो 7 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करता है तो 50% बहुत बड़ा प्रतिशत है। और केवल T20 में नहीं, टेस्ट मैचेस में भी आप किसी को भी देख लीजिए कि अगर आप कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर साहब ने 100 बनाए तो वो बनाने में 500-600 इनिंग लग गई हैं। तो ये डेविड वॉर्नर, मेरे को नहीं लगता कि कभी भी ऐसा था कि वो फॉर्म में नहीं है। और देखिए, इस तरीके के खिलाड़ी हैं पिछले कुछ साल में अगर आप देखें, खासतौर पर इस फॉर्मेट में, कि उनको पूरा अनुभव है, पूरा आइडिया है किस समय किस गेंदबाज को कैसे खेलना है, अपनी पारी को कैसे सजाना है संवारना है, वो एक बार इन्होंने फिर करके दिखाया। हालांकि आज तो गाड़ी काफी हद तक निकाल ली थी, शायद 12वें 13वें ओवर में आउट होके गए हैं, तब तक काफी गेम निकल गया था, पर फिर भी अपने आप से नाखुश होंगे जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, कि और चाहेगा इस तरीके के खिलाड़ी से आप अपेक्षा रखेंगे कि और खेल के ना पास लेके जाएं और खत्म करके आए। तो विश्व कप मेरे हिसाब से तो डेविड वॉर्नर का कमाल कर रहा है, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो फॉर्म में नहीं है। देखिए, बल्लेबाज को अगर बल्लेबाज के नजरिए से आप देखते हैं ना, तो कभी ऐसा हो कि 12 गेंदें खेली हैं और ना बिल्कुल बल्लेबाज जूझ रहा है कि 7-8 पे बीट हो गया, कभी पैड पे लग रही है, कभी थाई पे लग रही है, गेंद पता ही नहीं लग रही, उसे आप कह सकते हैं फॉर्म में नहीं है। यहाँ डेविड वॉर्नर के रन ना बने एक अलग बात है, पर कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि लगातार बार बार क्रीज पे आ रहे हैं और हर गेंदबाजी ने छका रहा है। तो जिसके लिए जाने जाते थे वो एक बार इन्होंने फर्क करके दिखाया, और कितने महत्वपूर्ण मैचेस में करके दिखाया है वो काबिले तारीफ। वीरू भाई, क्योंकि आपने थोड़ा करीबी समय भी बताया इनके साथ, यू नो, बातचीत करी है, मेंटालिटी आप इनकी जानते हैं बड़ी अच्छी, इज दैट हिज स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, कि यहाँ से वो कहते हैं कि तू मेरे पे हावी कैसे हो रहा है, मैं ही तेरे पे हावी, मैं तेरे से बेहतर हूँ, चाहे कोई भी मेरे सामने। देखिए, डेविड वॉर्नर एक पहले एक T20 प्लेयर आए थे, और उसके बाद वो वनडे और टेस्ट मैचेस खेले हैं, और शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने से पहले वो शायद IPL में खेले गए, तो वहाँ से उन्होंने जो सफ़र तय किया वो कमाल का सफ़र है। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है उनमें वो, हम लोग विराट कोहली की बात करते हैं ना कि रन बनाने की भूख है, तो डेविड वॉर्नर में भी वो रन बनाने की भूख है। उनको भी वहाँ अपने अपने ऑस्ट्रेलियन टीम में कंपटीशन दिखता है कि भाई मुझे स्टीव स्मिथ से बेहतर होना है, दूसरे खिलाड़ियों से ज़्यादा रन बनाने हैं, या वर्ल्ड में जो टॉप प्लेयर है उनमें मेरा नाम होना चाहिए। तो वो उनके अंदर जज्बा है अंदर, जिस जो उन्हें ड्राइव करता है, जिसकी बदौलत वो इतना कंसिस्टेंट रन बनाते हैं और इतने अटैकिंग मोड में रन बनाते हैं। तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है डेविड वॉर्नर, ये तो तारीफ करनी है उनकी। और फॉर्म में हो ना हो, मैं पहले ही कहता हूँ कि जो T20 फॉर्मेट ऐसा है जिसमें कभी 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 नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम स्कोर बोर्ड डिक्टेट करता है, क्योंकि बॉलें कम होती हैं, अगर आपके रन बोर्ड पर नहीं लगे तो आपको फॉर्म हो ना हो रन बनाने के लिए शॉटें मारनी ही पड़ती हैं, तो आप फॉर्म में आ जाएंगे या आउट भी चले जाएंगे। तो कमाल की पारी खेली आज डेविड वॉर्नर ने, और मैं चाहता पर्सनली कि वो नॉट आउट आते, मैच जिताते, लेकिन जो भी किया उन्होंने अच्छा किया, एटलीस्ट मिचेल मार्श नॉट आउट गए, ऑस्ट्रेलिया जीती। वीरू भाई, वैसे अगर अनु मलिक साहब यहाँ पे होते तो कहते आने वाले ऑक्शन में वॉर्नर आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा, आग लगा देगा। आई मीन वीरू भाई, मतलब मैं तो कह रहा हूँ, हैदराबाद वाले भी कह रहे होंगे भाई ये हमने किया क्या है, ये तो एक पारी की चीज थी, एक पारी लगती तो शायद कुछ और होता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हैदराबाद छोड़, अब जो दो नई टीमें आई हैं उनको 3 प्लेयर पहले पिक करने हैं ऑक्शन से, तो उनमें एक डेविड वॉर्नर हो सकता है आपका, आप उसका अपना कप्तान बना सकते हैं, आपको एक ओपनर मिल सकता है, और 2 खिलाड़ी आप उन जैसे ले सकते हैं, और उन 3 खिलाड़ियों के अराउंड आप टीम बना सकते हैं, बजाय कि आप 11 प्लेयर चुने, अगर आपको 3 पहले मिल जाते हैं ऑप्शन से, तो
नो डाउट डेविड वार्नर को दो टीमों में से एक टीम जरूर अप्रोच करेगी, एज अ कैप्टन के लिए भी, एज अ प्लेयर के लिए। इस फॉर्मेट में अशोक भाई ही सच अ प्राइम एसेट ना, आप कहते हो टॉप टू टॉप थ्री आर सच इम्पोर्टेंट प्लेयर्स, उस टॉप टू टॉप थ्री में इतना मंजावा खिलाड़ी जो यहाँ से इतना मजबूत है और वो एक भूख है कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है और मुझे खुद करना है, दोज आर प्राइम एसेट्स इन दिस फॉर्मेट। बिल्कुल, किसी भी फॉर्मेट में देखिए अर्जुन, केवल इस फॉर्मेट में नहीं, किसी भी फॉर्मेट में। और यहाँ पर आप एक प्रूवन प्लेयर की बात कर रहे हैं डेविड वार्नर की, आईपीएल की अगर आप बात करें लगातार बार बार उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी करी है। और जो आपने अभी हैदराबाद की बात करी, मुझे नहीं लगता हैदराबाद ऐसा कुछ भी सोचते होगी, क्योंकि हैदराबाद से डेविड वार्नर गए हैं वो कारण कुछ और रहे हैं, वो बल्ले का कारण नहीं रहा है, वो हम सब जानते हैं कि दिक्कतें जो भी रही हैं अब और आगे आने वाली दो जो टीम्स हैं उन्हें रिटेन करेंगी। और मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने नहीं लिया उनको वो ऑक्शन में भी आएंगे, तो जो आपने बोला ना अनु मलिक साहब कहेंगे कि आग लगा दे, वो तो अगर इस टूर्नामेंट में डेविड वार्नर आग नहीं भी लगाते जिस तरीके की आज बल्लेबाजी करी है और दो तीन पारी खेली, तो भी आईपीएल में आग लगाते, वो थोड़ा बहुत 5-10-15% जो आप फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं ऊपर नीचे जरूर होता है, पर डेविड वार्नर मैन इन डिमांड पक्का होते हैं हमेशा आईपीएल ऑक्शन में, क्योंकि खिलाड़ी कुछ इस प्रकार के हैं, तो वो आपको एक बार फिर देखने को मिलेगा, क्योंकि इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं। और जिस तरीके से ये टी20 खेलते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलिया के लिए तो फिर भी हमने इन्हें देखा कि कभी कभार ना थोड़ा सा कभी कभार बंद के खेलते हैं, पर आईपीएल में ये बिल्कुल खुले खेले हैं जब भी हमने देखा है। 2016 जब पहली बार सनराइजर जीती थी, मैं भी वहां पे था, तब तो इन्होंने, मैं कहूंगा कि जिस तरीके का टूर्नामेंट इनका रहा था, कि एक विराट कोहली का मुझे याद है 2016 वो टीम के साथ फाइनल खेली थी हैदराबाद, कि वो जैसा रहा था उसके पीछे पीछे था डेविड वार्नर, पर उसके बाद ऐसा नहीं कि वही 2016 का साल डेविड वार्नर का अच्छा रहा और उसके बाद ना बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। वो जो रन है ना वो 600-700-800 के आसपास हमेशा होते थे और बड़े इंपैक्ट वाले रन बनाते थे, उसमें कोई नई बात नहीं, और आज फिर एक बार फिर वही इन्होंने करके दिखाया। और ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट की आप बात करें, कोच की, कोई भी कप्तान की बात करें, उन सबको पता है कि किस तरीके खिलाड़ी, इसलिए तो आप उनको इतना बैक करते हैं ना,